जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे बालक नीलकंठ वर्णी को देखकर वहां पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए। वह नीलकंठ वर्णी को प्रणाम करके बोले कि हे दिव्य बालक, तुम इतनी सी अवस्था में इस घने और डरावने जंगल में क्यों घूम रहे हो। तभी बालक नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूँ। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटोल नगर था। नीलकंठ वर्णी इस नगर के बाहर रुके, जहाँ पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श किए और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातःकाल के समय नीलकंठ वर्णी अपनी आगे की जीवन यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी आगे की यात्रा के दौरान हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ी रहे थे कि नीलकंठ वर्णी के सामने एक वृद्ध बाबा साधना में लीन होकर बैठे थे। जैसे ही नीलकंठ वर्णी उनके समीप से गुजरे, उन बाबा की आँखें खुल गईं और उन्होंने उठकर नीलकंठ वर्णी को गले लगा लिया और कहा कि आपने मुझे दर्शन देने में बहुत देरी कर दी, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, योग गुरु हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप मुझे योग सिखाइए। योग गुरु गोपाल योगी की बहुत ही शालीनता के साथ नीलकंठ वर्णी ने सेवा की और पूरे समर्पित भाव से योग शिक्षा ग्रहण की। अंत में नीलकंठ वर्णी ने स्वामी नारायण का रूप धारण करके गोपाल योगी को दर्शन दिए और आगे की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। जब नीलकंठ वर्णी काठमांडू पहुंचे, तब नेपाल में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह का राज था। पृथ्वी नारायण शाह के पश्चात उनके पुत्र रण बहादुर ने राज किया। दिव्य बालक नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण काठमांडू पहुंचकर वहां पर विराजमान भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और जल अभिषेक भी किया। इस समय नेपाल में साधु संतों का आना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ के राजा रण बहादुर एक असाध्य रोग से ग्रसित हैं। वहाँ पर आने वाले सभी साधु और संतों से वह अपेक्षा करते थे कि उनके रोग का निराकरण किया जाए। साधुओं से जब उस असाध्य रोग का इलाज नहीं होता तो वह उन्हें बंदी बना लेते और कारागार में बंद कर देते। जब नीलकंठ वर्णी वहाँ पर पहुँचे तो कुछ साधु संतों उन्हें ये बात बताई, तो उन्होंने बताया कि यदि हम साधु संत हैं तो किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए, आइए आप मेरे साथ चलिए। इतना सुनकर सभी साधु और संतों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो गया और वह नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े। जब यह सूचना राजा रण बहादुर के पास पहुंची तो उन्होंने नीलकंठ वर्णी को अपने महल में बुलाया और असाध्य रोग के बारे में बताया। नीलकंठ वर्णी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने उस असाध्य रोग को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। इस कार्य से राजा रण बहादुर बहुत ही प्रभावित हुए और खुशी के मारे नीलकंठ वर्णी से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि मुझे माया का मोह नहीं है, आपने जिन साधुओं और संतों को कारागृह में बंद कर दिया है उन्हें मुक्त कर दीजिए। इतना कहते ही राजा रण बहादुर ने सभी बंदी बनाए गए साधु संतों को आजाद कर दिया। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।